टीवी के सितारे भी अब काफी मॉडर्न हो गए हैं, इसलिए तो अरेंज मैरिज आजकल कोई नहीं करता। सभी अपने जीवन साथी को खुद ही ढूंढते हैं और उनसे लव मैरिज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो लव मैरिज की है वो टिकेगी, क्योंकि वो अपने पार्टनर्स को जानते हैं। पर ये भ्रम भी टूट गया है, क्योंकि टीवी में ऐसी कई जोड़ियां रही हैं जिन्होंने लव मैरिज की पर उसमें उन्हें नाकामी ही मिली। जिनमें से कुछ अलग हो गए तो कुछ अलग होने जा रहे हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही स्टार कपल से रूबरू कराने वाले हैं। फिर आइए एक एक करके रूबरू होते हैं। नंबर एक, वहाबीज दोराबजी और विवियन डिसेना। टीवी शो प्यार की एक कहानी के सेट पर शुरू हुई विवियन डिसेना और वहाबीज दोराबजी की लव स्टोरी भी दुखद मोड़ पर खत्म हो गई। लंबे समय तक साथ रहने के बाद इस कपल ने अपने तलाक के फैसले से हर किसी को हैरान कर दिया। कोर्ट में 4 साल तक लंबित मामले के बाद दोनों को तलाक मिला। नंबर दो, रिधि ढोगरा और राकेश बापट। अभिनेत्री रिधि ढोगरा और राकेश बापट ने भी लंबे समय दूसरे के साथ रहने के बाद तलाक का फैसला किया था। दोनों के तलाक के फैसले से उनके फैंस काफी निराश हुए थे, पर जब दोनों की आपस में नहीं बनी और उससे प्रॉब्लम्स हुई तो दोनों ने अलग होना ही बेहतर समझा और शादी के करीब 7 साल बाद 2019 में अपने रास्ते अलग कर लिए थे। नंबर तीन, निशा रावल और करण मेहरा। टीवी एक्ट्रेस निशा रावल और एक्टर करण मेहरा ने साल 2012 में शादी रचाई थी, लेकिन साल 2022 में दोनों के बीच मतभेद सामने आए। जहां निशा ने करण पर मारपीट के इल्जाम लगाए, तो वहीं करण ने निशा रावल के ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों का तलाक का केस फाइल हो गया जो अभी भी चल रहा है। नंबर चार, संजीता शेख और आमिर अली। मशहूर टीवी अभिनेत्री संजीता शेख और एक्टर आमिर अली इंडस्ट्री के खूबसूरत कपल में से एक माने जाते हैं। हालांकि लंबे समय तक साथ रहने के बाद दोनों ने अचानक ही अलग होने का फैसला कर लिया। खबरों की माने तो संजीता शेख और तेज एक्टर हर्षवर्धन राणे की बढ़ती नजदीकियां भी इस तलाक की वजह रही थी, पर वाकई में दोनों का तलाक किस वजह से हुआ है इसका मामला अभी तक सामने नहीं आया है। नंबर पांच, सना अमीन शेख और एजाज शेख। मशहूर टीवी एक्ट्रेस सना अमीन शेख इन दिनों अपने तलाक को लेकर काफी चर्चा में है। अभिनेत्री ने हाल ही में पति एजाज शेख से तलाक का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। दोनों में बन नहीं रही थी, जिसकी वजह से दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। नंबर छह, श्वेता तिवारी, राजा चौधरी और अभिनव कोहली। श्वेता की सबसे पहली शादी अभिनेता राजा चौधरी से हुई थी। 9 साल साथ रहने के बाद 2007 में उनका तलाक हो गया। श्वेता ने राजा की शराब की आदत और इनके हिंसक व्यवहार से परेशान होकर उनको तलाक दे दिया। पहली शादी टूटने के बाद एक्ट्रेस ने साल 2013 में दोबारा से अभिनव कोहली से लव मैरिज की थी। हालांकि उनका ये रिश्ता लंबा नहीं चल सका और साल 2019 में दोनों अलग हो गए। इस तरह आपकी ये एक्ट्रेस दो बार प्यार में नाकाम हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इन एक्ट्रेस के नाकाम प्यार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।